नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिया नौटियाल। आइए देखते हैं कौन सी रही आज की बड़ी खबर। ऋषिकेश में युवा न्याय संघर्ष समिति की महिलाएं गांधीवाद तरीके से गुलाब लेकर न्याय मांगने पहुंची विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल से उनके आवास व महापौर अनिता ममगाई के पास, जहां उन्होंने बताया कि विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल के आवास पर दरवाजा नहीं खोला गया। दूसरी ओर मेयर अनिता ममगाई ने आंदोलनकारी महिलाओं को अपने कार्यालय में बैठाकर उनकी सभी बातचीत को सुनते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने की बात कही थी। अगर न्यायालय कहते का फिर तो करानी पड़ेगी। सरकार की क्या हैसियत है कि न्यायालय के आदेशों की हत्याकांड है और यहाँ ऋषिकेश में आज आया हूँ। हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान साथियों ने और ऋषिकेश के लोगों ने यहाँ पर धरना किया। हम प्रेमचंद अग्रवाल जी भाई जी के घर गए हैं, विधायक जी हमारे, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हमें बड़ी शर्म आई कि हम जब आप लोग वोट मांगने आते तो हम तो खूब दरवाजा खोल के रखते हैं, आओ जी स्वागत करते हैं। उन्होंने मेरे नाती को भी गोद में लिया था उस टाइम की, ये भी समर्थन में है। आज शर्म लगी हमें। आज हम लोगों का धरना है कोयल घाटी में। हम लोग 50 दिन से धरने में बैठे हैं। हम उसके घर इसलिए गए, प्रेमचंद अग्रवाल के घर, जी मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी उसके आगे। जी के लायक नहीं, आज बिल्कुल बिल्कुल जी के लायक नहीं है। जी मैं सॉरी, मैं नहीं लगा पाऊंगी। इसलिए उसके घर गए ताकि उसकी पत्नी भी एक महिला होने के नाते हम समर्थन दे रहे। फूल इसलिए हम लेके गए थे, गुलाब का फूल, ताकि फूल दे के हम उनका समर्थन मांगेंगे। पर वहाँ पे वो नहीं थी। अगर घर में होगी भी तो उनके जो गार्ड थे पुलिस वाले, वो बाहर आके कहने लगे कि मतलब वो है ही नहीं घर में, वो देहरादून।